अय्याश बलात्कारी प्यारे मियां के फिल्म अभिनेता राजा मुराद से कनेक्शन की जांच भोपाल पुलिस कर रही है। राजा मुराद ने पुलिस को बताया कि प्यारे मियां की सोसाइटी में उनके फर्जी हस्ताक्षर किए गए हैं। मुराद ने कहा कि वे प्यारे मियां को नहीं जानते, एक कलाकार होने के तौर पर उनके साथ कई लोग फोटो खिंचवाते हैं, अगर ऐसे में प्यारे मियां ने भी खिंचवाई है तो उन्हें याद नहीं। फिल्म अभिनेता राजा मुराद ने पुलिस को बताया कि प्यारे मियां से मैं कभी मिला नहीं हूँ, ना ही मैं उन्हें जानता हूँ। प्यारे मियां की सोसाइटी में मेरे नाम से जो हस्ताक्षर किए गए हैं वो पूरी तरह से फर्जी हैं। सोसाइटी के दस्तावेजों में उर्दू में रजा नाम से हस्ताक्षर किए गए हैं। लोग मुझे इस नाम से नहीं बल्कि रजा मुराद के नाम से जानते हैं। मैं हस्ताक्षर भी इसी नाम से करता हूँ। श्यामला हिल्स पुलिस को बलात्कार के आरोपी प्यारे मियां के खिलाफ फर्जी सोसाइटी बनाकर अंसल अपार्टमेंट के ई ब्लॉक की छत एयरटेल कंपनी को टावर लगाने के लिए किराए पर देने की शिकायत मिली थी। इस मामले में धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है। मामले की जांच में पाया गया कि प्यारे मियां ने ई ब्लॉक लेक व्यू इनक्लेव अपार्टमेंट वेलफेयर के नाम से फर्जी सोसाइटी में रजा मुराद को भी सदस्य बनाया था। इस वजह से पुलिस ने रजा मुराद को बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया था। मैंने इस बात को सिरे से खारिज किया कि मैं सिर्फ लेक व्यू इनक्लेव वेलफेयर हाउसिंग सोसाइटी का मेंबर हूं, जिसे मैं हर साल सब्सक्रिप्शन देता हूं, जो भी सोसाइटी के ड्यूज होते हैं। अगर मैं प्यारे मियां की सोसाइटी का मेंबर होता तो ड्यू मैं वहां नहीं देता, मैं उन्हीं को देता। तो इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैंने अभी अपने सिग्नेचर्स देखे जो कि उर्दू में किए गए हैं, थोड़ी बहुत मुझे भी अंग्रेजी आती है, ऐसी बात नहीं है। और वो जो सिग्नेचर है उसमें खाली रजा लिखा है, अधूरा सिग्नेचर है। रजा से हो सकता है लोग मुझे ना पहचाने, लेकिन जो मुझे जानते हैं वो मुझे रजा मुराद के नाम से जानते हैं। और अगर मैं सिग्नेचर करूंगा तो रजा मुराद के ही सिग्नेचर करूंगा। रजा लिखने का कोई मतलब नहीं, अधूरा काम करने का कोई मतलब नहीं। तो मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है, मैं कभी उनसे मिला नहीं हूं। हाँ, अगर उन्होंने कभी मेरे साथ फोटो खिंचवाई हो उसका मैं नहीं कह सकता, मुझे डाउट है कि उन्होंने खिंचवाई भी है या नहीं। अब अगर उन्होंने रस्ते चलते मेरे साथ फोटो खिंचवा ली हो तो मुझे उसका बिल्कुल अंदाजा नहीं है। लेकिन कभी मैंने उनकी कोई पार्टी अटेंड नहीं की, कभी मैं उनके घर उनसे मिलने नहीं गया। और ये जो सिग्नेचर है, ये फोर्थ सिग्नेचर है, ये मेरे सिग्नेचर नहीं। तो कंप्लेंट की है ना, मैंने कंप्लेंट की है, इसीलिए मैं यहां आया हूं, यही कंप्लेंट करने के जो कुछ भी है वो जाली है, वो फोर्ज है, वो नकली है। उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन मुझे ताज्जुब इस बात का है कि 80,000 रुपए महीना अगर वो ले रहे थे तो वो पैसा कहाँ जा रहा था, वो पैसा किसके पास जा रहा था, वो पैसा किसके खाते में जा रहा था। और अगर वो पैसा किसी के खाते में जा रहा था तो उस पैसे को कौन विड्रॉ कर रहा था। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज।